ने तवील इंतजार किए हैं। ये कुछ पैगाम जो जरूरी थे, जो आपको देना मैं जरूरी समझता था, इसे आपने लेकर जाना है। अपने करिया करिया गली गली इसको फैलाना है, इसका हिस्सा बने, इस पैगाम का हिस्सा बने। और आने वाले वक्त में और सियासी हवाले से हमारा जो ऐलान हुआ है हम बार बार नहीं करेंगे, हमारा वो आखिरी ऐलान है, अब नहीं बदलेगा। और ये हमारे पूरे तंजीमी ढांचे का मुत्तफिक का फैसला है, जंग की आवाम का मुत्तफिका के हवाले से जो पार्लियामान में पेश हुआ, यकीनन खिराज तहसीन है। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि इस बिल के हवाले से किसी एक पार्टी की कोशिश नहीं है, तमाम तर कौमी पार्टियां उस बिल में मुत्तहिद हैं, मुत्तफिक हैं। और ये बिल जिस लम्हे में दाखिला की कमेटी में दाखिल किया गया और इस पर बहस की गई और इसके मिंबरान मुंतखब किए गए, तो मिंबरान हमारी गुज़िश्ता हुकूमत के अफराद थे जिनके दौर में इस बिल को दाखिला कमेटी में बहस के लिए लाया गया, फिर उस पर मेहनत की गई, कानून को मुरतब किया गया, फिर उसे पार्लियामान का हिस्सा बनाया गया। तो मेरे लिए पार्लियामान की तमाम तर जमातें काबिले एहतराम भी हैं, लायक तासीम भी हैं, जिनके दौर में ये बिल जमा हुआ है या जिनके दौर में पास हुआ है। किरदार से किदा नजर आज खिराज तासीम पेश करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बजाय इसके मौजूदा हुकूमत अपने इन हथकंडों पर चलती हुई जिसको इंतकाम कहा जाते हैं, सियासी इंतकाम की बजाय मुआशी इस्तेकाम की तरफ सफर करे, वो इमरान खान साहब हों या उनके रफका हों, उनके साथ जुल्म और जबर हो या उनसे पहले वाले अफराद के साथ जो कुछ हुआ या हो रहा है, मैं उसकी भी मुरम्मत करता हूं। और ये भी कहता हूं कि ऐसा काम न पहले वालों के साथ होना चाहिए, न अब वालों के साथ होना चाहिए, न बाद वालों के साथ होना चाहिए। ये मुल्क सियासी इंतकाम के लिए नहीं बनाए, ये मुल्क बेहतरी के लिए बनाए, ये मुल्क कामयाबी के लिए बनाए, ये मुल्क फलाह के लिए बनाए, ये मुल्क इस्लाम के लिए बनाए। आज इस मुल्क के अंदर मैं एक बात करते हुए आपको एक तरफ इशारा करना चाहता हूं, आपकी एक तरफ आपका रुख मोड़ना चाहता हूं। जरा तवज्जो कीजिएगा कि रुख किस तरफ आपका मोड़ना चाहता हूं, और सिर्फ आप करें बल्कि सुनने वाले अहले इख्तदार का रुख मोड़ना चाहता हूं, लिखने वाले मेरे भाइयों का रुख उस तरफ ले जाना चाहता हूं। वो अपनी कापी पे इन अल्फाज को लिखें, आप अपने मोबाइलों पर इसे रिकॉर्ड करें, इसको तवज्जो का मरकज बनाएं, उसको उस तरफ ले जाएं जिस तरफ जाना उसके लिए जरूरी है। एक फर्द सियासी पार्टी का फर्द है, सियासी पार्टी के फर्द के तौर पर तनकीद करते हुए वह एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज भी क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है मुल्क का एक मोहतमर इदारे है, मोहतमर इदारे के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए लफ्ज मुंशी इस्तेमाल करते हैं, इस बहस में नहीं पता गलत इस्तेमाल करते दुरुस्त माँ इस्तेमाल करते, लफ्ज मुंशी का मतलब क्या है, माना क्या है, उसका मफहूम क्या है, लेकिन वो लफ्ज मुंशी इस्तेमाल करने के बाद एक उस लफ्ज के बाद जो एक लफ्ज उस इदारे की साख के लिए इस्तेमाल किए गए, जब लफ्ज इदारे पर तनकीद के लिए इस्तेमाल किए गए, जब वो लफ्ज इदारे की उस जानबदारी के लिए इस्तेमाल किए जिस जानबदारी का मुजाहरा वो अब तक करता चला रहे, उसको चाहिए कि आयन और कानून पर अमल दरामद करवाते हुए 90 रोज के अंदर अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का ऐलान करे। उसकी जिम्मेदारी है शफाफ इंतखाबात, उसकी जिम्मेदारी है बेहतर हुक्मरान लाना, उसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करते नहीं करता। मैं इस देश की तरफ से कितना नजर कहते हुए उसने एक लफ्ज इस्तेमाल किए, जिसने लफ्ज इस्तेमाल किया वो एक पार्टी का सीनियर रहनुमा भी है, वो इस मुनिकत का वजीर भी रहा है, मुख्तलिफ पदों पर काम भी करता रहा है, उसने लफ्ज मुंशी इस्तेमाल किया, जवाबन क्या हुए, इस्लामाबाद की पुलिस इस्लामाबाद से दौड़ी है, रातों के अंधेरे में उसके घर की दीवारें फला दी गई है, ये आए हैं उसकी दीवारें फलांग दी है, उसके मासूम बच्चों के सामने उसे ट्रक से पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है और उसे क्या बतलाती है कि इसने जरा
इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन की गुस्ताखी की है। आए इलेक्शन कमीशन की गुस्ताखी करते हुए अगर कोई नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल किया जाए एफआईए और पुलिस उसकी दीवारें रात के अंधेरे में बराबरा शुरू कर दे। लेकिन वो मुकद्दस जमा जिसने असहाब रसूल वो असहाब रसूल जो मोहम्मद रसूल पर सब कुछ निछावर कर चुके उसके लिए ये पुलिस उसके लिए ये एफआईए दीवारें क्यों नहीं फैलाती। तब्दीली चाहते हम इस निजाम में बेहतर तब्दीली चाहते। लेकिन वक्त चुके बहुत बीत गया आपने तवील इंतजार किए है। ये कुछ पैगाम जो जरूरी थे जो आपको देना में जरूरी समझता था इसे आपने लेकर जाना अपने करिया करिया गली गली इसको फैलाना है इसका हिस्सा बने इस पैगाम का हिस्सा बने और आने वाले वक्त में अपने साथ मजीद कुवत के साथ आने हैं ताकि इस काम को बैठे बैठे भी बात खत्म नहीं हो और ताकि इस काम को आगे मजीद बढ़ाया जा सके। मैं आपसे और सियासी हवाले से हमारा जो ऐलान हुआ है हम बार बार नहीं करेंगे हमारा वो आखिरी ऐलान है अब नहीं बदलेगा और ये हमारे पूरे तंजीमी ढांचे का मुत्तफिका फैसला है जंग की आवाम का मुत्तफिका फैसला है और इंशाअल्लाह इस पर अमल करते हुए बेहतरी की तरफ जाएंगे। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई भी करेंगे आपकी खिदमत भी करेंगे आपके हुकूक की जंग भी लड़ेंगे। आखिर में मैं आपसे इतना ही कहूंगा जरा सा गिड़गिड़ा लेता तो शायद काम बन जाता जरा सा गिड़गिड़ा लेता तो शायद काम बन जाता परम हूं मैं कभी देता मेरा झुकना नहीं बनता वो झूठा बस में आया उठे सारे खुशामत को मगर मैं उससे वाकिफ हूं मेरा उठना नहीं बनता जरूरी तो नहीं सब छोड़कर तुम्हारे साथ हो जाऊं जरूरी तो नहीं सब छोड़कर तुम्हारे साथ हो जाऊं मैं अच्छा हूं ये काफी है बहुत अच्छा नहीं बनता। अमीर शेर से इकराम पाकर सारे दरबारी अमीर शेर से इकराम पाकर सारे दरबारी लिखेंगे झूठे अफसाने मेरा लिखना नहीं बनता बना दे नहीं।